हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्की, आप सबका स्वागत करता हूं आपके सीरूप चैनल ट्रेन यात्रा पर। आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 22916 हिसार से खुलकर बांद्रा को चलने वाली हिसार बांद्रा वीकली एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जाती है वाया जोधपुर सूरत। जानेंगे स्टेशन की सारी जानकारी, इसके हॉल्ट के बारे में, कब हिसार से खुलती है, कब बांद्रा पहुँचती है, कहाँ कहाँ रुकती है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, दूंगा स्टेशन की सारी जानकारी, मिलता हूं छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर रेल यात्रा से पहले एक बार हो जाए ट्रेन यात्रा। दोस्तों, 22916 हिसार बांद्रा एक्सप्रेस ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन की देखरेख वेस्टर्न रेलवे जोन अपने अंदर करती है। इसको स्टार्ट किया गया था 28 जनवरी 2014 को। ये एक वीकली ट्रेन है। ये ट्रेन हिसार से हर मंगलवार को खुलती है बांद्रा के लिए। दोस्तों, 1407 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस ये ट्रेन अपने 25 घंटे पूरा करती है। इसके हिसार से लेकर बांद्रा तक 28 हॉल्ट आते हैं। 56 किलोमीटर पर आवर्स की एवरेज स्पीड रहती है। रूट के बारे में बात करूँ तो इन्हें हिसार से खुलकर रतनगढ़ जंक्शन, जोधपुर जंक्शन, पाली मरवार, आबू रोड, अहमदाबाद, वडोदरा के रास्ते बांद्रा तक जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है, जो यात्री राजस्थान से मुंबई ट्रैवल करते हैं वाया गुजरात। जानेंगे इस ट्रेन की पेंटिकार की सुविधाओं को लेकर। तो हिसार बांद्रा एक्सप्रेस में कोई पेंटिकार का कोच नहीं है। और आपको बाहर से खाना मंगाना है, उसके लिए इस ट्रेन में ई कैटरिंग की सुविधा मौजूद है और इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा मौजूद है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं हिसार बांद्रा एक्सप्रेस के लोकोमोटिव के बारे में। तो इस ट्रेन में हिसार से लेकर अहमदाबाद तक वटवा सेट का WDM-3D या फिर वटवा सेट का WDM-3A लोकोमोटिव यूज होता है, डीजल वाला। वहीं अहमदाबाद से आगे बांद्रा तक इस ट्रेन में वडोदरा सेट का WAP-5 या फिर वडोदरा सेट का WAP-4E, इन दोनों में से एक लोकोमोटिव यूज होता है, जो कि इसको अहमदाबाद से बांद्रा ले जाता है, इलेक्ट्रिक वाला। अब बात करते हैं हिसार बांद्रा एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। इसका कितना किराया है हिसार से बांद्रा तक का, कौन कौन से कोचेस है इसके अंदर। दोस्तों, हिसार बांद्रा एक्सप्रेस में LHB रेक यूज होते हैं। इस ट्रेन में सेकेंड AC क्लास का 2 डब्बा है, जिसका किराया है 2300 रुपये पर पर्सन हिसार से बांद्रा टर्मिनल। वहीं इस ट्रेन में आपको 3rd AC क्लास के डब्बे मिलेंगे 3, जिसका किराया है 1590 रुपये पर पर्सन हिसार से बांद्रा। वहीं इस ट्रेन में स्लीपर के डब्बे हैं 7, जिसका किराया है 600 रुपये पर पर्सन। जी हाँ, स्लीपर के 7 डब्बे हैं, जिसका किराया है 600 रुपये पर पर्सन हिसार से बांद्रा। वहीं इस ट्रेन में आपको जनरल के डब्बे मिलेंगे 4, जिसका किराया है 335 रुपये पर पर्सन। जनरल के 4 डब्बे, जिसका किराया है 335 रुपये पर पर्सन। दोस्तों, इस किराए में ऊपर नीचे हो सकता है, तो कृपया इसको दोबारा कंफर्म कर लें रेलवे की वेबसाइट या उनके टिकट काउंटर पे। अब बात करते हैं हिसार बांद्रा एक्सप्रेस के टाइम टेबल, रूट, हॉल्ट के बारे में, कब हिसार से खुलती है, कहां कहां ये रुकती है। दोस्तों, ये ट्रेन हिसार जंक्शन से हर मंगलवार को शाम को 3:45 खुलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बांद्रा के लिए। अब इस ट्रेन का अगला स्टेशन है सादुलपुर जंक्शन, शाम को 4:45 पे यहां पहुंचती है। 5 मिनट रुकने के बाद शाम को 4:50 पे सादुलपुर से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अब ये पहुंचती है चुरू जंक्शन शाम को 5:45 पे, यहां पे इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 5:55 पे यहां से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बांद्रा के लिए। अभी ट्रेन पहुंचती है रतनगढ़ जंक्शन शाम को 6:35 पे, रतनगढ़ में 10 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 6:45 पे रतनगढ़ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हिसार के लिए। अब हिसार बांद्रा एक्सप्रेस पहुंचती है सुजानगढ़ शाम को 7:21 पर। सुजानगढ़ में 3 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 7:24 पर यहां से रवाना होती है सुजानगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बांद्रा के लिए। अब ये पहुंचती है अपने 6th स्टेशन लाडनू शाम को 7:34 पे। लाडनू में भी 3 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 7:37 पे यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बांद्रा के लिए। अभी पहुँचती है डिडवाना शाम को 7:59 पर। डिडवाना में भी 3 मिनट का हॉल्ट है। रात में 8:02 पर डिडवाना से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बांद्रा के लिए। अब हिसार बांद्रा एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है डेगाना जंक्शन, रात में 8:51 पर यहाँ पहुँचती है। 3 मिनट रुकने के बाद डेगाना जंक्शन से रवाना होती है रात में 8:54 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। अब ये पहुंचती है मेरता रोड जंक्शन रात में 9:50 पर। यहाँ पे इसका 3 मिनट का हॉल्ट है। रात में 9:53 पर मेरता रोड से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बांद्रा के लिए। अब तक ये ट्रेन अपना 367 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अब ये पहुंचती है जोधपुर जंक्शन रात में 11:45 पर। जोधपुर में 10 मिनट का हॉल्ट है। रात में 11:55 पर जोधपुर से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। अब ये पहुंचती है लूनी जंक्शन रात में 12:24 पर। लूनी में 3 मिनट का हॉल्ट है। रात में 12:27 पर लूनी से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बांद्रा के लिए।
अभी ट्रेन का अगला स्टेशन है पाली मरवार, रात में 1 बजे यहाँ पहुँचती है। 5 मिनट रुकने के बाद रात में 1:05 पर पाली मरवार से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बांद्रा के लिए। अब ये पहुँचती मारवार जंक्शन रात में 2:10 पर। मारवार में 2 मिनट का हॉल्ट है। रात में 2:12 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बांद्रा की तरफ। अब ये पहुँचती रानी रेलवे स्टेशन रात में 2:45 पर। रानी में 2 मिनट का हॉल्ट है। रात में 2:47 पर रानी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुलती है बांद्रा के लिए। अभी पहुंचती है फालना। फालना पहुंचती है रात में 2:59 पर। फालना में 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 3:01 पर यहां से रवाना होती है। अब हिसार बांद्रा एक्सप्रेस पहुंचती है पिंडवारा। सुबह में 3:45 पर पिंडवारा में 2 मिनट का रुककर सुबह में 3:47 पर पिंडवारा से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अब स्टेशन का अगला स्टेशन है आबू रोड। सुबह में 4:42 पर आबू रोड पहुँचती है। 10 मिनट रुकने के बाद सुबह में 4:52 पे आबू रोड से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब ये पहुंचती है पालनपुर जंक्शन। सुबह में 5:55 पर पालनपुर में 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 5:57 पर पालनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुलती है बांद्रा के लिए। अब ये पहुंचती है सिद्धपुर। सुबह में 6:18 पर सिद्धपुर में 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 6:20 पर सिद्धपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुलती है। अब हिसार बांद्रा एक्सप्रेस पहुंचती है दोस्तों महेसाना जंक्शन। सुबह में 6:55 पर महेसाना में 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 6:57 पर महेसाना से रवाना होती है बांद्रा के लिए। अभी ट्रेन का अगला स्टेशन है साबरमती। रात में 8:20 पर साबरमती पहुँचती है। 2 मिनट रुकने के बाद सुबह में 8:22 पे साबरमती से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब ये पहुंचती है अहमदाबाद जंक्शन। सुबह में 9:00 अहमदाबाद में 20 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 9:20 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। यहाँ पे इसका लोको भी चेंज होता है डीजल टू इलेक्ट्रिक। अब ये पहुंचती है नाडियाद जंक्शन। सुबह में 10:09 पर नाडियाद में 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 10:11 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बांद्रा के लिए। अब ये पहुंचती है आनंद जंक्शन। सुबह में 10:29 पर आनंद में 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 10:31 पर आनंद से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बांद्रा के लिए। अब हिसार बांद्रा एक्सप्रेस पहुंचती है वडोदरा जंक्शन। सुबह में 11:20 पर वडोदरा में 5 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 11:25 पर यहां से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। अभी पहुंचती भरूच जंक्शन। दोपहर में 12:13 पर भरूच में 2 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 12:15 पर भरूच के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से खुलती है बांद्रा के लिए। अभी पहुंचती है सूरत। दोपहर में 1:17 पर सूरत में 5 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 1:22 पर सूरत के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुलती है। अभी पहुंचती वापी रेलवे स्टेशन। दोपहर में 2:26 पर वापी में 2 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 2:28 पर वापी से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बांद्रा के लिए। अब हिसार बांद्रा एक्सप्रेस पहुँचती है दोस्तों बोरीवली। सुबह शाम को 4:05 पर बोरीवली में 3 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 4:08 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म 7 या 8 से। अब हिसार बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी डेस्टिनेशन पहुँचती है बांद्रा टर्मिनस। शाम को 4:45 पर पहुँचती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगती है अपनी 1408 किलोमीटर दूरी तय करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब बनाना बोलें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।